हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारा चैनल दीप्तिया कक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज के ग्राफ बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। यह देखिए, आज मैं सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे की लंबाई ले रही हूँ 15 जोड़ 1 यानी 16 इंच। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 16 लंबाई लूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ आगे का, क्योंकि जब भी ब्लाउज बनाए तो आगे का जो आपका भाग है उसको आप ज्यादा निकालें पीछे का भाग से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 5.5 ऊपर में कंधा ले रखी हूँ। ये हमारा आर्म होल है, आर्म होल हमारा 6 इंच है। और देखिए, ये 36 बॉडी का ब्लाउज आज मैं बताऊंगी आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए 36 इंच का। यहाँ पे देखिए, मैं 9 इंच ले रखी हूँ। उसके बाद इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। उसके बाद सीधे मैं लाइनिंग नीचे की ओर खींच दूंगी। उसके बाद मैं नीचे कमर, अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे में 1.5 इंच टिपाई के लिए मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद देखिए, ऊपर में 2.25 इंच पे मैं गला निकालूंगी। गला की लंबाई 6.5 इंच रखूंगी। उसके बाद मैं बॉक्स बना लूंगी इस तरह से करके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं 1/2 इंच का तीर का निशान दे दूंगी। उसके बाद इसमें हम गोलाई का शेप देते हुए मिला दूंगी। और देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो आर्म होल है दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 इंच लूंगी, तीर का निशान दे दूंगी। इसको मिलाते हुए मैं इसमें शेप दे दूंगी। अब देखिए, ये हमारा 2 फोल्ड करके निकल रहा है दोस्तों। ये आगे का भाग है, ये 2 फोल्ड है, ये 2 फोल्ड हमारा है। तो इसमें मैं 8 × 16 यानी 8 × 16 16 निकल जाएगा ये वाला। नहीं सॉरी, ये हमारा 9 पे मेरा जो है, जो मेन सिलाई 9 पे आएगा, तो 9 × 18 और 9 × 18 यानी 18 × 18 = 36। नीचे जो हम कमर यहाँ पे ले रही हूँ, कमर हमारा देख लीजिए यहाँ पे 8.5 पे है मेरा मेन। यहाँ पे मैं मेन जो यहाँ पे मैं लाइनिंग दूंगी 8.5 पे, मेरा 34 है कमर बनकर। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से सीधे मिला दूंगी। अब देखिए, यहाँ से दोस्तों गला के पास से 3.5 इंच पे या तो फिर 4 इंच पे यहाँ पे एक मैं टेकी का यहाँ पे चीन दूंगी। इधर से भी मैं लंबाई 3.5 ले लूंगी। कंधा का जो बीचे बीच मैं नीचे एक टेकी यहाँ पे 4.5 लूंगी। या देखिए, जो मेन हमारा जो मेन कमर है माप, उसके मैं पीछे पीछे एक टेकी रखूंगी। एक टेकी मैं इधर साइड में रखूंगी, हल्का इसको तिरछा कर दूंगी। इसको भी मैं 4.5 ले लूंगी। यहाँ पे मैं 4.5 या 5 यहाँ पे ले लूंगी। और देखिए, हर एक टेकी का जो गैपिंग है वो 2.5 इंच का होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा कमर हो गया, ये हमारा कमर हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया, आर्म होल हो गया 6 इंच। यहाँ पे मैं 1 इंच यहाँ पे गोलाई का शेप देने के लिए ले रखी हूँ। और देखिए, हमारा जो ऊपर में जो कंधा है 5.5 इंच हो गया। आगे का जो गला है, आगे का गला मैं यहाँ पे कितना ले रखी हूँ, ये देखिए 6.5 इंच। यहाँ पे मैं 6.5 इंच लंबाई जो हमारा है
16 इंच जो हमारा बॉडी है, बॉडी जो हमारा है यहाँ पे 9 दूनी यानी 18 इंच हो जाएगा, 9 दूनी 18 इंच हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा कमर है दोस्तों 17 इंच हो जाएगा। यह देखिए हमारा आगे का भाग निकल गया है सादा ब्लाउज का। अब देखिए यहाँ पे मैं पीछे का भाग निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं लंबाई 15 इंच लूंगी, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंधा मैं 5.5 लूंगी, उसके बाद मैं आर्म होल 6 इंच, उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो मैं 9 यहाँ पे ले रखी हूँ। देखिए हमारा 9 है यहाँ पे, उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा लाइनिंग नीचे की ओर दे दूंगी, उसके बाद मैं इसमें मिला दूंगी। उसके बाद हमारा जो नीचे का ये कमर हो गया, ये जो हमारा हो गया तिरपाई के लिए मैं इतना कपड़ा फोल्ड कर रखी हूँ। अब देखिए कंधा के जो बीचे बीच में एक 5.5 का एक टेकिंग मैं यहाँ पे दे दूंगी। जो हमारा पीछे का जो आर्म होल है उस पर मैं यहाँ पे 1.5 इंच का तीर का निशान लगाऊंगी। इसमें हम गोलाई का इस तरह से शेप लगा दूंगी। अब देखिए दोस्तों 2.25 इंच पे ऊपर में, देखिए 2.25 इंच पे ऊपर में 2.25 इंच पे मैं गला निकालूंगी। गला का जो लंबाई है 9.5 इंच। अब देखिए इसको हम बॉक्स बना लूंगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ भी 1/2 इंच का इस तरह से तीर का निशान लगा दूंगी। उसके बाद इस तरह से गोलाई का इसमें शेप दे दूंगी। और देखिए दोस्तों हमारा ये बैक साइड का गला हो गया 9.5 इंच, ये हमारा कंधा हो गया 5.5 इंच, ये हमारा आर्म होल हो गया 6 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच हो गया ये जो तीर का निशान मैं यहाँ पे। अब देखिए कमर में यहाँ पे 8.5 पे चीन लगाऊंगी, इसको मैं सीधे इस तरह से, ये हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा लंबाई हो गया, लंबाई 15 इंच, ये हमारा कमर हो गया, कमर हो गया 8.5 × 2 यानी 17 इंच। अब देखिए दोस्तों ये हमारा आगे और पीछे दोनों का यहाँ पे मैं ग्राफ बना दी हूँ। ये हमारा पीछे का भाग है, ये हमारा आगे का भाग है, ठीक है। सबसे पहले मैं आगे का भाग यहाँ पे बनाए हैं, उसके बाद हम पीछे का भाग बनाए हैं। जो आर्म होल है ये हमारा 36 इंच का ब्लाउज बन रहा है, इसमें हम आर्म होल 6 ले लेंगे दोस्तों। जो हमारा बॉडी है बॉडी 36 इंच का है, उसमें हमारा जो कमर होगा वो 34 इंच होगा। और सबसे पहले मैं टेकिंग, जो भी हमारा टेकिंग है यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रखी हूँ। ये हमारा जो टेकिंग का लंबाई है 3.5 है, नीचे 4.5 है, ये हमारा 5 है, ऊपर में भी 5 है। एक आर्म होल के पास, एक हमारा साइड के पास, एक हमारा कमर के पास, ठीक है दोस्तों। और आगे का जो गला है हमारा 6.5 इंच है, इसमें हम कंधा 5.5 लिए हैं क्योंकि इसका गला थोड़ा डीप है। यहाँ पे गला जो हमारा है 9.5 है। अगर थोड़ा आप और इसको गहराई से गोलाई देना चाहते हैं तो आप इस तरह करके आप इसमें इस तरह से गोलाई लगा दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा। अब देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे आप लोग को बाजू बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसको रफ करती, जो भी हमारा बोर्ड छोटा है दोस्तों इसलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे रफ करके यहाँ पे मैं आप लोगों को बाजू का ग्राफ बताऊंगी। ये देखिए हमारा जो ग्राफ, इसका जो हमारा बाजू का जो
लंबाई था 4 इंच था और जो गोलाई था 5.5 था। तो ये सबसे पहले मैं इसको बॉक्स चारों तरफ से बराबर बराबर 6-6 इंच लेकर मैं इस तरह से बना दूंगी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा ये जो हमारा आगे का है, आगे का है, आगे का 5.5 इंच है। ये हमारा जो नीचे जो हो गया, ये हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूंगी, यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूंगी। ऊपर जो है हमारा 4 इंच है। उसके बाद ये जो हमारा आर्म होल है, यहाँ पे मैं 7.5 रखूंगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, ऊपर में मैं 4 इंच ले रही हूँ, और इसको इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए मैं इसमें मिला दूंगी। आगे जो है दोस्तों 1 इंच, यहाँ पे मैं हेम करने के लिए 1 इंच यहाँ पे मैं रखूंगी। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा लंबाई है 4 हो गया। ये हमारा आर्म होल है, यहाँ पे आर्म होल है 7.5 हो गया। नीचे का जो है हमारा हिप वहां पे हो गया 2.5 हो गया। आगे का जो मोरी है, मोरी का जो गोलाई है 5.5 है। तो दोस्तों चलिए हमारा जो ग्राफ है जो सिंपल ब्लाउज का जो बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।